जय माता दी, जय माता रानी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर 2022 को है और इसी तिथि से अगले 9 दिनों तक शक्ति की साधना आराधना शुरू हो जाएगी। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगी, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेंगी। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हुए मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आराधना होगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन हाथी की सवारी के साथ होगा। नवरात्रि पर दुर्गा उपासना, पूजा, उपवास और मंत्रों के जाप का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना या घट स्थापना का सबसे सर्वश्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त। दो तीन मुहूर्त वैसे तो बन रहे हैं। घट स्थापना का जो सुबह वाला मुहूर्त है वो सुबह 6:17 से और 7:55 तक, यानी कि इसकी अवधि 1 घंटा और 38 मिनट रहेगी। सभी भक्तगणों को बता दें, कलश स्थापना या घट स्थापना का सबसे सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है वो 26 सितंबर को सुबह 11:54 से और 12:42 तक रहेगा। अवधि इसकी 48 मिनट है। सभी भक्तगण जितना हो सके अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापना करें। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। इस दिन स्नान करने के पश्चात मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डाल लें। इसके बाद पात्र में थोड़ी सी और मिट्टी डालें और फिर जौ के बीज और डाल दें। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा जल डालें। इसके पश्चात कलश में मूली बांधकर तिलक लगाएं। अब आप कलश को गंगा जल से भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा, अक्षत और सिक्का डालें। इस कलश के किनारे पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब आप नारियल और चुनरी को रक्षा सूत्र से बांध दें। इसके बाद आप घट स्थापना वाले जगह को साफ कर वहां पर मिट्टी वाला पात्र जिसमें जौ डाले हैं उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर अपने कलश को रखें। कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। इस तरह से आपकी कलश स्थापना पूरी हो जाएगी। इसके बाद माँ दुर्गा का आह्वान करके नवरात्रि की पूजा शुरू कर दें। अगर आपने सच्चे मन से नवरात्र किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भी खाली न छोड़ें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखें।